दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है यारामार्ट होम यूट्यूब चैनल में। इस बार आप लोगों के लिए जड़ से मकान के एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि 100 गज का विला रहने वाला है, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये विला आप लोगों को बहुत ही बेस्ट प्राइस में मिलने वाला है नोएडा के अंदर। जो मेरे भाई कहते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन 16B के अंदर हमें जड़ से मकान चाहिए, इंडिपेंडेंस हाउस चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है थोड़ी देर में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको अंदर का टूर करा देता हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ आपको जो बाहर की तरफ फैसिलिटीज़ होती है आपके घर की वो दिखाना चाहूँगा। तो ये आप लोगों का कुछ एंट्रेंस रह गए, एक ही एंट्रेंस दिया जो कि आपका मेन स्टील गेट के साथ रहने वाला है। इस साइड थोड़ा सा आप आएंगे तो सभी के जो मीटर्स हैं आपके आउटसाइड रहेगा, किसी का भी आपका घर के अंदर नहीं लगा रहने वाला। अगर आपको रेडी टू मूव में चाहिए तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पसंद का डिज़ाइन करके थोड़ा दिया जाए तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा। बात की जाती है समरसीबर की, तो यहाँ पे आपका बाहर की तरफ ही हमने मोटर लगा के रख रखा है। तो आ जाइए अभी अंदर की ओर एंट्रेंस करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों की कार है तो आप बाहर की तरफ पार्क कर सकते हो, एंड अंदर की तरफ जो रहेगा एक हैचबैक कार आराम से पार्क हो जाती है। आपका अगर टू व्हीलर है तो आप लोग वो भी पार्क कर सकते हो। साइज़ की बात करूँ तो यहाँ से लेके आपका स्टेज से पहले तक 10x13 का साइज़ रहने वाला है। अगर आप आगे को भी इंक्लूड करते हैं तो टोटल ये 10x16 का साइज़ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आपका पार्किंग सेक्शन एरिया है। यहाँ पे आपको सेफ्टी टैंक मिल जाता है जो कि आपका 4x6 साइज़ में रहेगा। बाकी यहाँ पे हमने टैप्स वगैरह शायद दिए हुए हैं जो कि पानी कनेक्शन के लिए रहने वाला है। इस साइड आएंगे, एंट्रेंस की बात करें तो आपको अपने घर में जाने के लिए दो एंट्रेंस मिलती है रूम एंट्रीज के लिए। एक एंट्री ये रहती है, एक एंट्री स्टेयर्स के साइड साथ में रहती है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अंदर तरफ आप आओगे तो ये 4x6 के साइज़ के अंदर आप देखोगे एक स्पेस ऐसा है जहाँ पर आपको हमने सिंक दे दिया है, एंड उसके बाद ये आप लोगों का कॉमन वॉशरूम रहेगा सभी के लिए, या गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हो। ये आप लोगों का रहेगा, स्पेस वाइज काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, और इंडियन शीट का यूज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है। चलिए अभी एंट्री करते हैं हम अंदर की ओर, बट उससे पहले आउटसाइड अगर व्यू देखोगे तो यहाँ विंडोज़, यहाँ पर गेट, और इस साइड में समरसेबल के कनेक्शन के लिए यहाँ पे आपका लगा हुआ है, एंड विंडोज़ एक आपको यहाँ मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। आ जाते हैं इधर अंदर की ओर। तो दोस्तों, ये आप लोगों का रहेगा ड्राइंग स्पेस एरिया, या आप चाहे अपना फर्स्ट रूम भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा साइज़ देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका फोकस साइज़ के ऊपर नहीं ले जाना चाहूँगा, फॉल सीलिंग के ऊपर ले जाना चाहूँगा। आप देख सकते हो फॉल सीलिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है, जो कि और इन्हेंस कर देता है आपके इस विला के ब्यूटी को। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेक्शन है। आज ये आपको सेकेंड एंट्री दिखाता हूँ, उसके बाद साइज़ की हम बात करेंगे। तो ये रहेगा आप लोगों का सेकेंड एंट्री जो कि आपके पार्किंग सेक्शन से कनेक्ट होता है। एंड अब बात करते हैं आपके ड्राइंग सेक्शन एरिया की। तो अगर इस बाउंड्री के इस साइड की बात करूँ तो 12x12 का ये साइज़ रहने वाला है आप लोगों का। प्लस अगर आप इसे भी इंक्लूड कर लेते हो तो 12x20 का टोटल एरिया साइज आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप लोगों का वो ड्राइंग सेक्शन हो गया, एरिया हो गया, और ये आप लोगों का किचन सेक्शन के एरिया का पार्ट हो गया। इस साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे मॉडुलर किचन इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जी हाँ बिल्कुल, साइज़ की बात करो तो 8x8 के साइज़ में हमने इस किचन को डिज़ाइन कर रखा है। सारे के सारे जो सेट्स होते हैं वो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, जितने कैबिनेट्स होते हैं लगे हुए हैं। वुडन वर्क का जो काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमने इसके अंदर आप लोगों ने करके दे रखा है। ये देखो कैबिनेट्स में स्पेस आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलता है। जब आप इस विला को लेते हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लग के मिलने वाली है। स्विच वगैरह के लिए हमने यहाँ पे बोर्ड दिए हुए हैं। टाइल्स का वर्क यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में मिल जाता है। और उसके बाद मार्बल की बात करते हैं तो स्क्रैचलेस मार्बल रहने वाला है जो कि आपका सिंगल लेयरिंग के साथ रहेगा, ये देख सकते हैं। और इधर आपका क्रॉकरी वॉश करने का सेक्शन है, एंड इधर आप लोगों को वेंटिलेशन के लिए खिड़की दे रखी है। तो ये आपका मॉडुलर किचन रह जाता है। स्पेस अगर नई चीज की बात करेंगे तो इस टाइप का आपको देखोगे जो क्रॉकरीज रखने के लिए स्टेनलेस स्टील का वर्क इसके अंदर आपका हो रखा है, बहुत ही प्यारा सा है। एंड इस साइड आपका अपना डस्टबिन वगैरह रख सकते हैं। ये आपका 8x8 के अंदर का किचन सेक्शन एरिया है। और आप लोग अपना डाइनिंग टेबल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये रहा। आ जाते हैं अपने फर्स्ट रूम के अंदर। तो 12x12 का ये आप लोगों का फर्स्ट रूम रहने वाला है, ये देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिलता है। अगेन मैं आपका ध्यान यहाँ पे फॉल सीलिंग के ऊपर लेके जाऊँगा। तो फॉल सीलिंग कुछ इस टाइप में यहाँ पे डिज़ाइन दी हुई है हमने। उसके बाद इस साइड आ जाते हैं तो आपका फर्स्ट रूम एंड सेकेंड रूम कनेक्ट होता है आउटसाइड आपके वॉशरूम में। सो ये आप लोगों का वॉशरूम रहेगा। 8 फीट तक हमने यहाँ टाइल लगा के दे रखी है आप लोगों को। सारे कनेक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे शावर्स के हो गए और बाकी तीनों टैप्स आपको नीचे मिल जाते हैं। गीज़र लगाना चाहते हैं तो गीज़र टैप्स के कनेक्शन भी आपको उधर हमने दिया हुआ है।
यहाँ पे स्पेस की बात करूँ तो पहले तो आप देखोगे वेस्टर्न स्ट्रीट हम दे रहे हैं आपको एंड अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ देखोगे ये आपका वॉशिंग एरिया सेक्शन है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने सिंक आपका लगा के दे रखा है, इधर एक टैब लगाया है जो कि आपको वॉशिंग में हेल्प करता है। बात की जाए जो आप लोगों के मेन क्वेश्चन होता है, क्या सीवरेज कनेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे सीवरेज का कनेक्शन मिलने वाला है। साइज की बात करूँ 6x12 का आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आ जाइए, आप चलते हैं सेकेंडरी रूम में। तो ये आप लोगों का रहने वाला है सेकेंडरी रूम। वेंटिलेशन के लिए अगेन हमने यहाँ पे खिड़की दे रखी है, आप चाहे तो अपना AC वगैरह लगा सकते हैं, बट ये कोई वुडन वर्क नहीं है, स्टील का वर्क हो रखा है। बाकी ऊपर की तरफ आपका वेंटिलेशन के लिए अच्छा खासा हमने देन अभी आ जाते हैं अंदर की तरफ। तो अगेन ये जो आपका रूम है, ठीक है, 12x12 का आपको अगेन यहाँ पर रूम देखने को मिल जाता है, प्लस फॉल सीलिंग अगेन आप देखोगे तो अलग सा यूनिक सा कॉन्सेप्ट हमने इसमें रखा हुआ है। और एक चीज़ और एडिशनल हमने यहाँ पे दिया है, जिससे कस्टमर की डिमांड थी कि हमें भैया अलमीरा के लिए स्पेस चाहिए, तो ये देख सकते हो ये स्पेस आपको अलमीरा के लिए हमने छोड़ दिया है। ये आप टेम्पल बना सकते हो या अलमीरा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। गेट की बात करूँ तो वुडन वर्क हमने यहाँ पे गेट दिया है, वुडन का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ये भी आपको मिल जाता है। प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करने से पहले फैसिलिटीज़, डिटेल्स, लोकेशन ये बात होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ये स्टेयर्स आपके रहने वाले, स्टेनलेस स्टील की SS की रेलिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। एंड सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो होता है, आप लोगों की सोसाइटी कैसे रहने वाली, तो ये जो सोसाइटी है प्रॉपरली गेटेड सोसाइटी हम आपको बना के दे रहे हैं। ये आपका ऊपर साइड का सेक्शन है, आ जाइए बाहर की तरफ तो देखेंगे बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा खासा है। एंड ये देख सकते हैं ये आपकी सोसाइटी है, सभी का जो विलाज का कॉन्सेप्ट हमने सेम ही रखा है। सामने तक आपको हाई राइज की बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपकी अजनारा और गौर सिटी की हाई राइज रहने वाली हैं। चलिए आज ये बात करते हैं कि आप लोगों को सोसाइटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपरली गेटेड सोसाइटी रहने वाला है। कैमरा सिक्योरिटी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, प्लस कॉमर्शियल बेल्ट की यहाँ पे सभी लाइंस हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो जो मैंने अभी 100 गज का आपका विला दिखाया है, इसकी जो हमारी आस्किंग है 54 लाख रुपीज़ की हमारी आस्किंग है दोस्तों यहाँ के। एंड साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कैश नहीं है एक बार में पेमेंट करने के लिए, तो 80% बैंक लोन यहाँ से हो सकता है, जो कि रहेगा बंधन बैंक के थ्रू। और भी डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पर जो आपके सामने नंबर आ रहा है। एंड बात की जाती है लोकेशन की, तो ये बिल्कुल आपका नोएडा एक्सटेंशन 16B में रहेगा, एक मूर्ति गोल चक्कर के पास में। एक मूर्ति गोल चक्कर जो डिस्टेंस है मात्र यहाँ से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है आप लोगों का। अब बहुत से लोग पूछते हैं लाल कुआ कितना दूर यहाँ से रहने वाला है, तो मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे आप लोगों को लाल कुएँ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, लाल कुआ मिल जाता है। एंड सीवरेज का कनेक्शन आपको मिलता है, ग्रीन बेल्ट आपको यहाँ पे मिलती है, पार्क आपको यहाँ पे मिलता है, और कम्युनिटी सेंटर जो होता है वो फार्म हाउस के रूप में हमने यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी आपको यहाँ मिल रहा है। तो इतनी प्यारी सी सोसाइटी आप लोगों की रहने वाली है, जहाँ पर पूरा गेटेड रहेगा, सीवरेज कनेक्शन, पक्की सड़कें, सब कुछ आपको मिल रही है, बिजली पानी परफेक्टली आपको मिल रहा है। पानी जो है यहाँ का मीठा पानी है, आप लोगों को समरसिवर का कनेक्शन हम करके ही दे रहे हैं, सारा कनेक्शन रहेगा, रेडी टू मूव कंडीशन में हम देने वाले हैं। अगर आप प्लॉट भी यहाँ पे लेना चाहते हैं तो प्लॉट के कुछ ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई इंक्वायरी है तो आप कॉल कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। अगर ये आपको विला या इस टाइप का चाहिए तो हमारे पास और सैंपल अवेलेबल हैं, तो हमें कॉल करिए, आप लोग विजिट करिए नोएडा एक्सटेंशन, एक मूर्ति आके आप कॉल कर लीजिए, मैं आपको वहाँ से पिक कर लूँगा, हमारी टीम में से कोई ना कोई पिक कर लेगा अगर मैं फ्री नहीं हूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।